आपको बताते हैं एक साइंस न्यूज, कितने पक्षी रहते हैं धरती पर और किस पक्षी की, हम आपको ये जो रिपोर्ट बता रहे हैं, किस पक्षी की आबादी है सबसे ज्यादा, जानकर हैरान हो जाएंगे आप। क्या आपको पता है धरती पर कितने पक्षी रहते हैं, किन पक्षियों की आबादी सबसे ज़्यादा है, क्या इनकी भी गणना होती है? जी हाँ, पक्षियों की आबादी का पता लगाया जाता है, ये भी जानकारी जुटाई जाती है कि किस प्रजाति के पक्षी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, ऐसे एक ऐसे पक्षी की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है जो आजकल हमें मुश्किल से देखने को मिलती है। इसे लेकर कई रिसर्च भी हुई, लेकिन आबादी तो है, आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। धरती पर कुल मिलाकर 50 बिलियन यानी 5000 करोड़ पक्षी रहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो इस पूरी आबादी का ज्यादा हिस्सा बनाती हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रजातियां दुर्लभ हो रही हैं, साथ ही कुछ विलुप्त प्राय होने के कगार पर हैं। जिन 4 प्रजातियों के पक्षी सबसे ज्यादा हैं, उनमें पहले स्थान पर है घरेलू गोरैया, इसके बाद यूरोपियन स्टारलिंग्स, तीसरे नंबर पर हम आपको बता रहे हैं रिंग बिल्ड गुल्स, और चौथे पर है बॉर्न स्वेलोस। इन चारों प्रजातियों की आबादी 1000 करोड़ से ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ 1180 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें हर एक में करीब 5000 पक्षी ही बचे हैं, यानी ये दुर्लभ हैं या इनकी प्रजाति खत्म होने के कगार पर है। ऑस्ट्रेलिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स के पोस्ट डॉक्टोरल फेलो कोरी केलेगन ने पक्षियों की आबादी की गणना की है। कोरी ने बताया कि प्रकृति हमेशा दुर्लभ प्रजातियों से ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए उनके संरक्षण की व्यवस्था खुद कर देती है। कई दुर्लभ पक्षी अमेजन जैसे दुनिया के कई जंगलों में रहते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास उनका डेटा है। कोरी और उनके साथियों ने जो रिसर्च में उसमें पता चला कि धरती पर हर इंसान के ऊपर 6 पक्षी हैं। इससे पहले पक्षियों की प्रजातिवार आबादी की गणना 24 साल पहले हुई थी, तब बताया गया था कि इनकी आबादी 20 से 40 हज़ार करोड़ के बीच है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा थे, जबकि इस बार की गणना में काफ़ी कम पक्षी गिने गए हैं। हुआ यह है कि इस बार बहुत जटिल प्रक्रियाओं और मैकेनिज्म के साथ पक्षियों की आबादी गिनी गई, जो ज़्यादा सटीक है। कोरी ने सिटीजन साइंस डेटा से पक्षियों के आंकड़े निकाले। ये आंकड़े ऑनलाइन डेटाबेस ईबर्ड्स पर उपलब्ध हैं। इसके आधार पर उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, जिस पर विश्लेषण करके विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की संख्या का पता चला। अपनी रिपोर्ट को पुख्ता करने के लिए कोरी और उनकी टीम ने 724 प्रजातियों का अलग अलग अध्ययन भी किया। इस मॉडल से पता चला कि दुनिया में 9700 प्रजाति के 5000 करोड़ पक्षी हैं। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के रिचर्ड ग्रेगरी ने कहा कि सिटीजन साइंस साइंटिंग और उसके आधार पर की गई रिसर्च की अलग ताकत और कमजोरी होती है। ई बर्ड के पास उष्णकटिबंधीय इलाके के पक्षियों की आबादी की पूरी जानकारी नहीं है, जबकि गर्म या ठंडे इलाकों में रहने वाले पक्षियों की जानकारी है। रिजल्ट ने बताया कि रेड बिल्ड क्यूलिया को धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला पक्षी माना जाता है, जबकि कोरी और उनके साथियों के रिसर्च में इसकी आबादी सिर्फ 9.50 करोड़ ही बताई गई है। दूसरे उदाहरण ये है कि इस रिसर्च में आइवरी बिल्ड वुडपेकर्स की आबादी 5000 बताई गई है, जबकि ये प्रजाति दुनिया से खत्म हो चुकी है। रिजल्ट ने बताया कि ऐसी गलतियां कम जानकारी वाले लोगों द्वारा पक्षी देखकर डेटा रिकॉर्ड करने से होती है, या फिर इनका गलत डेटा डाउनलोड कर दिया जाता है जिसके बाद से रिव्यू करने के बाद हटाया जाता है। हालांकि रिजल्ट की बात को पूरी तरह से खारिज न करते हुए कोरी केलेगन ने कहा कि किसी एकाध प्रजाति की संख्या पर सवाल उठाने से पूरी गणना गलत नहीं हो जाती है। कोरी केलेगन ने कहा कि इंसान चाहे तो पक्षियों की आबादी को सुधारने का काम कर सकता है, इसके लिए और रिसर्च करने की ज़रूरत है और नए संरक्षण वाले कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो इंसानों को जंगल काटना बंद करना होगा, या फिर कोई ऐसी जगह बनानी होगी जहां ये पक्षी आराम से अपना जीवन बिता सकें। वो भी इस धरती पर रहते हैं, इसलिए उन्हें मारना या उनका घर उजाड़ने का अधिकार इंसानों को नहीं है। तो हमने अभी आपको बताया, एक साइंस न्यूज़ आपको बताई, कितने पक्षी रहते हैं धरती पर, किस पक्षी की आबादी है सबसे ज़्यादा, जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे। दर्शकों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि सभी को ये जानकारी पता चले।